पुलिस ने 6 घंटे में किडनैपर्स को पकड़ा। पैसे के लेन देन के चलते किया था युवक का अपहरण। स्पेशल टीम ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपहरण के दौरान इस्तेमाल की हुई गाड़ी भी बरामद की गई। राजधानी जयपुर के चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर। चौमू थाना पुलिस ने युवक के अपहरण मामले में कार्रवाई करते हुए 6 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को झुंझुनू से गिरफ्तार किया है और युवक के परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को 3-4 युवक कन्हैया लाल व उसके घर से अपहरण कर ले गए थे और उसकी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो युवक की पत्नी ने लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। देर शाम थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। थानाधिकारी हेमराज सिंह गुजर ने घटना को गंभीर मानकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने 6 घंटे में 3 आरोपियों को झुंझुनू से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों और कन्हैया लाल के बीच पैसे के लेन देन को लेकर चल रहा था विवाद। इस बात को लेकर आरोपियों ने कन्हैया लाल का अपहरण कर लिया। पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। किस प्रकार दिया घटना को अंजाम, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। शहर के पचवारियों का मोहल्ला स्थित कन्हैया लाल सैन के मकान पर स्कॉर्पियो में सवार 3-4 लोग आए और कन्हैया लाल से मारपीट करते हुए गाड़ी में डाल कर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने कन्हैया लाल की पत्नी को घर में बंद कर दिया। देर शाम को महिला ने अपने पति के अपहरण कर ले जाने का मामला चौमू थाने में दर्ज करवाया था। स्पेशल टीम का उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ऋचा तोमर ने बताया कि 23 अगस्त को शाम 5 बजे पीसीआर जयपुर से वायरलेस में सूचना मिली थी कि कुछ लोग चौमू के पटवारियों का मोहल्ला से एक व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और महिला को उसके मकान के बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए चौमू एसीपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने थानाधिकारी हेमराज सिंह गुजर के नेतृत्व में एएसआई रामलाल, हेड कांस्टेबल राम सिंह ख्याली राम, राकेश कुमार, कांस्टेबल अनूप अमित और ताराचंद की एक विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कपिल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी गांव नान थाना सदर जिला झुंझुनू हाथ प्लाट नंबर 95 जीण नगर थाना कोतवाली जिला झुंझुनू, हरी सिंह पुत्र मूलचंद घायल जाट निवासी ग्राम भरवाड़ी थाना उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू हाल हाउसिंग बोर्ड थाना कोतवाली जिला झुंझुनू और राहुल कुलहरी पुत्र रोहिताश कुमार जाट निवासी A48 बसंत विहार थाना कोतवाली जिला झुंझुनू गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट न्यूज़ लाइव राजस्थान जयपुर।